आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम सैड थी ना बन्नी, इसीलिए तुम्हारे लिए। थारे नारियल चढ़ाने से पहले समुजी ने हमारे पास थारे जैसा दोस्त भेज दिया। तुम्हारी स्माइल कहाँ जाएगी? चल, अब इस नारियल को हम गरीबों में बांट देते हैं। ये भगवान को चढ़ाना है। युवान, भूखों में भगवान हो गए हैं। क्या बात है भाभी साहब? You're looking so relaxed. योगा और पिलाटीज। सक्सेस आंचल, सक्सेस से बड़ा और कोई रिलीफ नहीं होता। और अब बनी आउट, नियति इन। और मुझे तो अपना ड्रीम पूरा होते हुए दिख रहा है। पूरा राठौड़ एम्पायर ऑफिशियली मेरे हाथ में। पर क्यों भाभी साहब? आई मीन आपके पास तो इतना कुछ है। इनफैक्ट पूरा बिजनेस तो आपके अंडर ही है। मेरे हाथ में और मेरे अंडर होने का सबसे बड़ा डिफरेंस जानती हूँ आंचल? पावर का। लेकिन लोग बेवकूफ होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। बड़ाई, आई लव पावर। पावर का ना नशा ही कुछ और होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है ना कि मेरे को अभी बहुत ज्यादा देर हो रही है। मैं काम करूं, काम निपटा के ना अपने शांति से फोन करूं। रवि, गाड़ी निकाल भाई मारी। एक काम दिया था इन इडियट्स को और वो भी नहीं कर पाए। हम ऐसा तो जा रहे हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है टीजी? जाने दीजिए, इम्पोर्टेंट ये है ये निकल तो जाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि टायर से हवा निकाल दी गई है और स्टेपनी है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आधा एक किलोमीटर जाएंगे। उसके बाद टीजी अपडेट, पन्नी और युमान मंदिर से निकल रहे हैं। क्या हुआ? समझ ना आ रहा। एक मिनट युवान। हाँ? संभाल के। क्या पेट्रोल? आज सुबह तो पेट्रोल भराया था, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। क्या जल्दी? कुछ समझ ना आ रही। चलना है? कहाँ चलना है? चलो ना, इसे भी साथ में ले चलना, हमारे साथ ही है। अरे शक्ल देख कर तो ना लग रहा हमारे को कि तेरे दिमाग में इतना मसाला भी है कि तू खुद खाना पका ले। एकदम सूखा नारियल है, मतलब चूल्हा भी किसी और का है और आग भी किसी और की लगाई है ना? चलो चलो, अभी जल्दी से बताओ उसका क्या नाम है जिसने थारे को अठे यहाँ भेजियो है। नाम की पूजा ना करनी। थारे को एक बात समझ ना आ रहा, ये चुराने आया है यहाँ पे? पैसे तो चुराने आया ना होगा क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पास ना है, कुछ भी ना मिलने वाला। और अगर हमारी इज्जत पर हाथ डालने आया है तो वो तो ना हो पाएगा। अगर कोशिश भी की, तुम्हारा नाम है बन्नी, बन्नी चाओ, बदमाशों ने खड़े खड़े खाओ। इससे अच्छा मैं तारे को एक काम दूं, ये हमारे बिजनेस का पैम्फलेट है, बन्नी चाओ होम डिलीवरी। इसे अपने दोस्तों, यारों, अपने अपने सभी रिश्तेदारों में बांट देना। ये अगर खाने के साथ लाड दुलार ममता फ्री चाहिए ना, तो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में अपने खाने का ऑर्डर देना क्योंकि हमारे पास है द
दाल बाटी चूरमा गट्टे का साग कांदों का साग टिंचली साई गोभी साई बैंगन चटपटी तोरी लहसुन की चटनी और साथ में हमारा लाड दुलार ममता फ्री। और हाँ, उन्हें ये भी कहना कि स्वाद तो उन्हें कई जगह चखा होगा पर बन्नी के ऊपर मां अन्नपूर्णा का खास हाथ है। हाँ बन्नी काम हो गया जैसे बोला था वैसे। बन्नी की स्कूटी का पेट्रोल निकाला, उसे मारा, फिर अभी बेहोश पड़ी हो। बहुत टेढ़ी लड़की हो, बहुत ताकत भी है। अरे मार मार के भर्ता बना दिया। यूज़लेस। अच्छा एक बात बताओ, युवान तो ठीक है ना? वो ठीक है। अच्छा आप सुनो, आगे क्या करना है अच्छे से बताता हूँ। आप इतने जल्दी मंदिर से आ भी गए? अरे कहाँ कहाँ गया, मैं तो मंदिर पहुंचा ही ना। वो फटाफट दीजिए, गरीब बच्चे आते ही होंगे। हाँ जल्दी। यो कहीं हो रहा है भाई? वो एक्चुअली दादू सा, कल जो भी हुआ उससे मैं बहुत हर्ट हुई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बेचारे युवान को कितना दर्द झेलना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि गरीब बच्चों में ये दान पुण्य करके शायद मेरे मन को शांति मिल जाए। बन्नी का फोन ही ना लग रहा भाई। एक्चुअली मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। बन्नी युवान को लेकर आएगी तो युवान के हाथों से ही मैं गरीब बच्चों में बंटवाऊंगी। युवान को इसका पुण्य मिलेगा तो शायद उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो। वैसे कब तक आएंगे वो लोग? समझ में आज एक घंटे में आ जाएंगे। Definitely not, पापा साहब। वो दोनों तो नहीं आ रहे। बन्नी 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 युवान को बहुत डर लग रही है। बन्नी उठो ना बन्नी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो?
वो गंदे अंकल लोग ना उन्होंने बन्नी को मारा, बहुत 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 ज्यादा मारा, सर पे मारा था तो बन्नी सो गई है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, मुझे तुम्हारा घर पता है। आपको आपको मेरा घर पता है, आप हमारी हेल्प करेंगे अंकल? थैंक यू अंकल। बन्नी वो अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं, बन्नी आओ ना। बन्नी फोन ही ना उठा रही भाई। यहां से बहुत दूर जा चुके हैं दोनों। रनकपुर प्लान बनाया आपने, मतलब एक चालाक लड़की बननी, एक भोले भाले बावले लेकिन अमीर लड़के युवान को अपने जाल में फंसा कर मंदिर ले जाने के बहाने जोधपुर से दूर रणकपुर भगा के ले गए। वाओ, मतलब ऐसे आइडियाज किसी और को क्यों नहीं आते हैं? अंकल अंकल ये मेरा घर नहीं है यहाँ पर, युवान का घर यहाँ पर नहीं, आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं मुझे? तेरा घर हो भी नहीं सकता छोरे, ये रनकपुर है, जा कुछ टाइम बिता अपनी बन्नी के साथ। अंकल 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 मेरा शेयर, मेरा ग्लास, तुम्हारा ग्लास खुद ले लो, अभी तो फ्रेश जूस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात को वाइन होगी। शेयर्स बन्नी, बन्नी, दादू सातों तनाव में चले गए, बन्नी फोन जो नहीं उठा रहे। बन्नी अब किसी के फोन कॉल से लौटने नहीं वाली, उसको तो अब पुलिस पकड़ के ढूंढ कर वापस लाएगी, फिर उस पे युवान को भगाने का केस फाइल होगा, फिर वो दो तीन दिन जेल में बैठेगी और उसके बाद उसका इस घर में आना बंद। युवान बेबी तुम उड़ गए, ये कहाँ है आप? रणकपुर बन्नी। युवान हम यहाँ पहुंचे कैसे? बन्नी तुम तो सो गई थी ना, वो थी ना नहीं जागने वाली नींद, नहीं उसे कुछ और कहते हैं क्या कहते हैं, बेहोश बेहोश, तुम बेहोश हो गई थी ना, तो तभी एक अंकल आए और वो गाड़ी में उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तो मैंने कहा हाँ हाँ अंकल हमें छोड़ दीजिए, पर उन्होंने मैं घर नहीं छोड़ा, यहाँ ये रघुपुर में छोड़ा। हे भगवान, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। गंदे 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 अंकल। युवान ये तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं बन्नी। दिखाओ। कुछ नहीं छुपा रहा जो। दिखाओ। ये सोना? बन्नी। ये कहाँ से आया? चोरी वोरी तो नहीं की तुमने? हाँ। नहीं बन्नी, युवान ने चोरी नहीं की, ये तो मेरी मम्मा की ज्वेलरी है। ये ना बन्नी गंदी वाली परी पहनने वाली थी, मैं नहीं चाहता कि वो गंदी वाली परी मेरी मम्मा की ज्वेलरी पहने, इसीलिए ना
मैंने धीरे से हल्के से छुपा के निकाल दिया। जो चोरी नहीं की उबान में सच्ची बन्नी बन्नी ये पायल है ना, ये मेरे मम्मा की फेवरेट पायल है। मैं इसे साइरन पायल बनाता हूँ, पता है क्यों? पूछो पूछो क्यों? बताता हूँ बताता हूँ। जैसे जैसे साइरन ऐसे करती है ना तो लोगों को पता चल जाता है, वैसे ये पायल की छन छन से मुझे पता चल जाता था मम्मा कहाँ है, वो पास है या दूर है। पर इसे घर के बाहर लेके आने की क्या जरूरत थी? दादू साको भी तो दे सकते थे ना। जुआ तुम भी ना, मैं क्यों जाऊँ किवाड़ के बाहर? आ बैल मन नहीं मार, मुसीबतों को न्योता देने की आदत है ना तुम्हें। एक तो हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही फोन है, सुनसान सी सड़क है और घर जाने का एक साधन ना है, और तुम यहाँ पे सोने की दुकान लेके खड़े हो। बन्नी बन्नी गुस्सा मत हो ना, हम ना हम टैक्सी पकड़ के चले जाएंगे और वो टैक्सी वाले अंकल को ना हम मम्मा की रिंग दे देंगे। शकल देखी है अपनी, इतना छोटा सा मुंह हो गया है, ये गहने तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। ढंग से बोला ना जा रहा है कि दे सकता हूँ, और बेचने जाओगे तो कैसे दिल टूटेगा? किसी को ना बेचना हम, किसी को नहीं देने वाले हम, इसे संभाल के रखो बैग में अभी, किसी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। और युवान एकदम मेरे साथ साथ चलना है, बगल में। हाँ हे शंभू जी मदद करना, युवान का ध्यान रख पाऊं और इसे सही सलामत घर पहुंचा दूं। हला बनी और युवान को हम रनकपुर ले आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब चाहे जो मर्जी हो जाए वो दोनों रनकपुर से जल्दी निकलने नहीं चाहिए। यहाँ दादोसा का लिटिल लिटिल बीपी अप हुआ, लेकिन युवान को कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि युवान को कुछ हो गया ना तो ये पुट्ठा सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे देगा। ये बन्नी फोन ही ना उठा रही भाई। मार्केट तो क्रैश हो रहा है लेकिन हमारे शेयर्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं। हमें ना किसी से फोन लेकर घर पे फोन लगाना चाहिए। हाँ हाँ। युवान तुम्हें तुम्हारे घर में से किसी का नंबर याद है? तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। बन्नी मुझे ना नंबर नहीं पसंद, मुझे मैथ से अच्छी नहीं लगती, मुझे किसी का नंबर याद नहीं होगा। हमारे लिए भी गणित बर्बल की खिचड़ी जैसी है, कभी दिमाग में ना पकी। मैं विष्णु को कॉल लगाती, वो तुम्हारे घर पे जाएगा और सबको बताएगा। तुम इधर ही रुको। भाई जी जरा आपका फोन मिल सकता है, एक कॉल लगाना है। दे दो। ये लो। थैंक यू। ये विष्णु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये युवान किधर गया? अबे मैंने तुझे कहा था ना युवान पे नजर रखने के लिए, ध्यान कहाँ था तेरा? मैं क्या करता, मैं बस एक झटके में पानी पीने गया और पता नहीं ये कब पीछे से सड़क के औरतों वाले लाइन में घुस गया। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।